नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। और मैं हूं डिंपी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं फिर से आपको एक रेंज के ब्रेक, एक बैटल की तैयारी करनी पड़ेगी। बैटल 9650 के साथ 9550 9580 और 9600। तो ये बाजार के लिए अभी लेवल्स बने हुए हैं। कल मार्केट के अंदर दीपाली जो हुआ ना, कल उसका थोड़ा एनालिसिस हमने बाजार बंद होने के बाद किया। उसमें जो मेन कल्प्रिट साबित हुआ था वो काफ़ी हद तक बैंक निफ्टी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ठीक बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी जो लास्ट के घंटे के अंदर मोमेंटम आया, उसने काफी हद तक मार्केट को डिस्टर्ब किया। यानी ये फॉर श्योर है कि अगर 9700 तक पहुंचना है, उसके बियॉन्ड जाना है, तो निफ्टी बैंक का सपोर्ट जरूरी है। जरूरी है। और आज उसी डाटा की एनालिसिस करेंगे, लेकिन शुरुआत पहले हेडलाइन से करते हैं। विदेशी बाजारों से मिले जुले संकेत। अमेरिकी बाजारों के दायरे में कामकाज, अमेरिकी संसद में हेल्थ केयर बिल पेश होने से फार्मा शेयरों में रही खरीदारी, एशिया बाजारों की मिली जुली शुरुआत, एजेंसी से फ्लैट। एनसीएलटी में भेजा जाएगा भूषण स्टील, एसआर स्टील और इलेक्ट्रो स्टील के का केस। स्टेट बैंक की अध्यक्षता में कल ज्वाइंट लेंडर फोरम ने किया ये फैसला। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत अब कर्ज की रिकवरी कर पाएंगे ये बैंक। फोर्टिस हेल्थ केयर को झटका, एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेटवर्क आईएचएच ने अधिग्रहण का प्रस्ताव वापस लिया। डाइची सैंग के मामले के चलते आईएचएच ने लिया ये फैसला। पीएफ के पैसों से घर बनाने की शर्तों में नरमी, अब 3 साल बाद ही इस्तेमाल कर सकेंगे आप पीएफ का पैसा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नियमों में दी गई ढील, ईपीएफओ और हुडको के लिए यह हुआ करा। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज भरेंगे नामांकन, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस, प्यास बुझाए, एनर्जी बढ़ाए। तो मार्केट्स के अंदर आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक तो हफ्ते का आखिरी दिन है और हम जब नेक्स्ट वीक की तरफ एंटर करेंगे उसमें पहले दिन तो छुट्टी होगी, सोमवार को तो कामकाज नहीं होगा। और वो दिन जो होंगे उसके अंदर एक एक्सपायरी आएगी और वो एक्सपायरी जीएसटी से पहले, क्योंकि उसका जीएसटी भी लागू हो जाएगा। तो आज की क्लोजिंग काफी हद तक रूपरेखा बना सकते हैं। लॉन्ग वीकेंड है, हो सकता है मार्केट के अंदर आज वॉल्यूम थोड़ा कम रहे, लेकिन आज के लेवल्स बहुत डिसाइसिव होंगे। इस बीच आप एशियन मार्केट्स देखिए, यहाँ पे सभी के अंदर मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। जैसे हैंगसेंग हांगकॉन्ग का बाजार ये ऊपर है, लेकिन शंघाई मार्केट यहाँ पे करीब 0.25% नीचे है। एक बार दायरा देख लेते हैं निफ्टी का, आज कैसे ट्रेड कर रहा है। एसजेक्स निफ्टी करीब 2 अंक नीचे, फ्लैट ही समझिए आप, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है 4-5 पॉइंट के साथ। आज आपको बड़ी पोजीशंस तो लेनी नहीं है, ये तो आप फिक्स कर लीजिएगा, पोजीशंस को संभालिएगा। और लगातार जिस लेवल की हम बात बोल रहे हैं अभी भी आपके सामने बने हुए हैं, 9580-96 मार्केट के लिए बहुत अहम सपोर्ट है। आज नहीं टूटना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि नहीं टूटेगा भी, क्योंकि डाटा इतना भी खराब नहीं हुआ। 9550 की रेंज टूटेंगे तो ही हम 100 पॉइंट 150 पॉइंट टूटेंगे, अदरवाइज नहीं टूटने वाले। इसलिए सौदों को संभालिएगा, शॉर्ट और लॉन्ग करते समय बड़ी पोजीशंस को मत लीजिएगा। और सीरीज का जो ऊपरी स्तर है दीपाली, वो करीब 9720 के आसपास आ सकता है अगर मार्केट को यहाँ पे चलना है। कॉल पुट 9700 की, 9500 की पुट, इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड मिलेगा। आज भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे 8:30 बजे। पूरा सेगमेंट है इसके लिए, फार्मा, कमोडिटी, स्टील और सरकारी बैंक, ये आज के सेगमेंट है। बिल्कुल, फार्मा का आपने जिक्र किया, फार्मा स्टॉक्स डेफिनेटली आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज हैं वो एटलीस्ट यही इंडिकेट कर रहे हैं। यूएस मार्केट की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पर यूएस की संसद में जो हेल्थ केयर बिल है वो पेश किया गया है, अगले हफ्ते वोटिंग होगी। और इस डेवलपमेंट के बाद हमने देखा था कि जो फार्मा इंडेक्स है या फिर जो फार्मा स्टॉक्स है वहां पर एक जोरदार मजबूती देखी गई थी। जीएसके, एस्ट्राजेनेका जैसे स्टॉक्स में हमने 2-3% तक का उछाल देखा है यूएस मार्केट में। तो नेस्डेक लगातार दूसरा सेशन था जब बढ़कर बंद हुआ, तो क्यूज यूएस मार्केट से ठीक ठाक है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स मिक्स्ड हैं। एसजेक्स निफ्टी सुबह से एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, 9634 के लेवल्स पर अभी है। तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं। अभी आपने निफ्टी के दायरे की बात की कि इंडियन मार्केट्स भी आज एक रेंज में बफर से ट्रेड करेंगे, और ये रेंज बदली भी नहीं है, पिछले कई सेशन से हम बातचीत कर रहे हैं वही रेंज बनी हुई है। लेकिन इस रेंज में भी अपॉर्चुनिटीज कहाँ होंगी इस पर हम बातचीत करेंगे सुपरफास्ट फ्यूचर्स में ठीक 8:30 बजे। लेकिन उससे पहले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं खबरों वाले शेयर्स की शुरुआत करेंगे। और दो मेरी सहयोगी मौजूद है हर रोज की तरह,
पूजा हैं जो कि ट्रेडिंग कॉल्स बताती हैं, यानी आपका जो इंट्राडे है, इंट्राडे मुनाफा है उसको बढ़ाने का तरीका बताती हैं और साक्षी बताती हैं इन्वेस्टमेंट की बात। तो पहले पूजा से शुरुआत कर लेते हैं, बताइए इंट्राडे ट्रेड्स कौन कौन से हैं। इंट्राडे में आज एक सेल कॉल है और बाकी सब में खरीदारी की राय है। कुछ ऐसे भी कॉल्स हैं जो कल बीटीएसटी थे तो आज भी उसमें जानकार बुलिश साउंड कर रहे हैं। इन्वेस्टर पॉइंट्स से शुरुआत करते हैं। पहले इन्होंने जय कॉर्प में खरीदारी करने की राय दी है 88 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 82 का। कल 83 के लेवल्स तक की तेजी, करीब 5 पॉइंट्स की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। आज आपको 88 के लेवल्स के लिए यहां पर खरीदारी करनी है और स्टॉप लॉस लगा 82 का। गोदरे फिलिप इनका अगला बाय कॉल है 1300 के टारगेट के लिए और लक्ष्य होगा 1265 का। यहां पर भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। आईडीबीआई कैपिटल के कुछ व्यूज पर नजर डाले तो मनप्पुरम फाइनेंस, जैसे कि हम बता रहे थे कि ये कल का बीटीएसटी कॉल भी था, अच्छी तेजी थी। एनबीएफसी स्पेस में अगर बात करें तो अच्छी तेजी थी इस स्टॉक में। आज भी आपको 103 के लेवल्स के लिए यहां पर खरीदारी करके चलनी है। स्टॉप लॉस लगाइए 94.9 का। और साइंट ये अगला एक बाय कॉल है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी कल अच्छी तेजी थी। आज आपको 528 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 508 का। अब चॉइस बुकिंग के कुछ रिकमेंडेशन ले तो इन्होंने भी तीनों ही काउंटर्स में खरीदारी करने की राय दी है। जो पहला इनका बाय कॉल है वो है रेडिंगटन पर। यहां पर इनका मानना है कि करीब 3-4% की तेजी स्टॉक में आज आपको देखने को मिल सकती है। 138 के लेवल्स के लिए खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए 129 का। अगले कॉल में त्रिवेणी टर्बाइन में खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं। लक्ष्य ये सुझा रहे हैं 145 का और स्टॉप लॉस ये दे रहे हैं 137 का। और आखिरी कॉल में ओरिएंट सीमेंट पे खरीदारी करने की राय दी है। कल कुछ सीमेंट पैक में भी अच्छी तेजी थी। ओरिएंट सीमेंट में यहाँ पर ये 148 का टारगेट, 155 का टारगेट सुझा रहे हैं और स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 145 का। अब आखिर में एक सेल कॉल आ रही है बोनांजा पोर्टफोलियो की तरफ से। इन्होंने जस्ट डायल में बिकवाली की राय दी है। कल कमजोरी भी थी स्टॉक में काफी ज्यादा और आज वो और भी ज्यादा कमजोरी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 384 के लेवल्स के लिए ये सेल कॉल सुझा रहे हैं और स्टॉप लॉस लगाइए 403 का। ठीक है, सारी की सारी कॉल्स हैं, उसमें से एक ही सेल कॉल है वह जस्ट डायल। वैसे डेरिवेटिव्स में इसमें आर्बिट्रेज भी है, कैश वायदा में फर्क भी है। आप इस कॉल को थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। वैसे ज्यादातर कॉल्स बाय की हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं किरण जाधव, उनसे एक बार समझ लेते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर आज बाजार का कैसे दिख रहा है। किरण, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नहीं आऊंगा क्योंकि इंडेक्स ऐसा जो बोर कर रहा है, शायद आपको भी परेशानी हो रही होगी ट्रेड करते में। मेरे को आप बताइए जो चलने वाले शेयर है जैसे कि भूषण स्टील, जैसे कि स्टील वाली ऐसी कंपनीज पे कल भी एनसीएलटी की खबर आई है, मेरे को उनके बारे में बताइए, इनमें कैसे ट्रेड करें क्योंकि ट्रेडर्स भी हैं इसमें और इन्वेस्टर्स भी जानना चाहते हैं। भूषण भी है, मोनत इस्पात भी आप जोड़ सकते हैं, पुंजलॉट भी जोड़ सकते हैं, दोनों तीनों में से कोई भी शेयर देख के बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। अगर भूषण स्टील की बात करें तो अच्छा खासा मूव हमने पिछले दो दिनों में देखा था। कल बिकवाली देखने मिली और ये बिकवाली अच्छे से वॉल्यूम्स के साथ आई है। जो डिमांड एंड सप्लाई का रेंज है वो 55 से लेके 80 है, बहुत बड़ा रेंज है। तो अब मैं इससे थोड़ा सा दूर रहने के लिए बोलूंगा और अगर कुछ करना है तो शॉर्ट करके ही चलना चाहिए इंट्राडे के लिए। 76 का स्टॉप लॉस रहेगा और शायद 60 के लेवल्स आपको देखने मिल पाएंगे आज इंट्राडे में। अगर मोनेट इस्पात बात करेंगे तो मोनेट इस्पात में भी कुछ ऐसे ही रुझान देखने को मिल रहा है, इधर से वापस इधर एक 4-5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। जी, तो व्यू आपको मिला है इन दोनों ही स्टॉक्स पर, लेकिन जितनी भी हाईली लीवरेज कंपनीज हैं या फिर वो 12 कंपनियां जिनका नाम एनपी अकाउंट में शामिल है उनसे दूरी रहे तो बेहतर है। स्पेशली कल भूषण स्टील का जिस तरह का मूव देखा गया, एक समय में 10% ऊपर और फिर एक समय में 10% नीचे, तो अवॉइड ही करें, कॉशियस रहें, वही ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट की अब बात करते हैं और हाउसेस का व्यू जान लेते हैं कि ब्रोकर हाउसेस कहाँ पर बुलिश हैं और उनके रिपोर्ट्स क्या इंडिकेट कर रही हैं। साक्षी हमारे साथ मौजूद हैं। साक्षी बताइए, काफी रिपोर्ट्स आए होंगे आई एम श्योर अलग अलग स्टॉक्स पे, क्रक्स क्या है, किन किन स्टॉक्स पर स्पेशली ध्यान दिया जा सकता है? सबसे पहले दो सेक्टर्स की बात करते हैं। पहले कैपिटल गुड सेक्टर की बात करते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, ये सीएलएसए ने रिपोर्ट जारी की है। उनका मानना है कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है फर्टिलाइजर सेक्टर में खासतौर पर, उससे कैपिटल सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं, मेजर प्लेयर्स, उनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। $700 करोड़ तक की सरकार की यहाँ पर खर्चा करने की योजना है, यूरिया प्लांट्स पर, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स पर, एलएनजी टर्मिनल्स पर। तो सबसे ज्यादा फायदा जो होने वाला है वो एलएनटी, अदानी पोर्ट और गेल हो सकता है, और आज ही से हो सकता है इन कुछ प्रोजेक्ट्स का टेंडर भी खुलता हुआ नजर आए। अच्छा, जिसकी वजह से ये एक इंटरेस्टिंग बेट्स हो जाती हैं।
इसके अलावा कंजम्पशन स्पेस से एफएमसीजी स्पेस पर नोम्यूरा ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है. यहाँ पर कंसर्न्स उन्होंने रेज किए हैं. खासतौर पर उनका एक पार्ट का तो मानना है डिमोनेटाइजेशन के बाद डिमांड कहीं ना कहीं स्टेबल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर सभी कंपनियां डिस्टॉक करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ रही है. जीएसटी से पहले सभी स्टॉक्स को खत्म करना चाहती है और उसका असर जो है क्वार्टर वन में देखने को मिल सकता है, खासतौर पर वॉल्यूम ग्रोथ को देखते हुए, जिससे इमामी और डाबर जिनका होलसेल कारोबार भी है इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इमामी और डाबर पर उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं जीएसटी की वजह से. ठीक है, खैर इमामी दो दिन तीन दिन से टूट भी रहा है. मैं कुछ एक और रिपोर्ट्स पे भी आपसे राय लूंगा साक्षी, लेकिन किरण दो शेयर आप देखिए, एक तो इमामी और दूसरा ये कैपिटल गुड्स में से कोई भी आपको एक शेयर पसंद हो. देखिए एबीबी भी चल रहा है, हमने कल देखा कि कुछ एक डिफेंस से जुड़ी कंपनीज भी अच्छे चली हैं. आप इन पे राय क्या देंगे, एक कैपिटल गुड्स की कोई भी कंपनी आप बता सकते हैं और एक इमामी को जरा जरूर देखिए, ये शेयर टूट रहा है दो तीन दिन से. इमामी की बात करें तो करीबन 1150 पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है. हमने देखा है पिछले दो महीने से इस रेजिस्टेंस को हम टेस्ट करते नजर आ रहे हैं और जब तक ये रेजिस्टेंस निकलता नहीं है तब तक कोई बहुत बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी. ऑन द लोअर साइड 1080 एक अच्छा सपोर्ट है, तो ये इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है. पर अगर कुछ बाय करना है लंबे नजरिए से तो 1150 के ऊपर ही बाय करने की सलाह होगी. जहाँ पे कैपिटल गुड्स की बात है, एबीबी में अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है. हायर टॉप हायर बॉटम का सिनेरियो है और मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये टूटेगा, जल्दी टूटेगा. 1540 का लेवल है, 1540 के ऊपर एक एग्रेसिव बाय करने की सलाह होगी. 1600 के ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे. जहाँ पे बीएमएल की बात है, बीएमएल जो डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे थे, इधर एक बहुत ही अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है. जिस तरीके से हमने 1150 से लेके 1500 तक की रैली देखी है, अब मुझे लगता है कि इधर से और भी बेहतरीन रैली देखने को मिलती है. 1530 का स्टॉप लॉस रहेगा आज के लिए और टारगेट्स के लिए 1600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो हाउसेस का व्यू तो आपने सुना कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर कंपनीज पर, और दो स्टॉक्स यहाँ पर किरण ने भी रेकमेंड किए हैं, बीईएमएल और दूसरा इमामी. लेकिन साक्षी कुछ और स्टॉक्स भी हैं. एब्सोल्युटली, ऑटो स्पेस पर रिपोर्ट्स आई हैं. सबसे पहले टाटा मोटर्स पर रिपोर्ट देख लेते हैं. सीएलएसए ने यहाँ पर सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य यहाँ पर 405 का दिया है. उनका मानना है कि वैल्यूएशन अभी काफी स्ट्रेच्ड नजर आ रहे हैं. ईपीएस अनुमान भी FY19 तक के लिए उन्होंने 10% तक घटा दिया है. खासतौर पर इंटरनेशनल बिजनेस को लेते हुए उनका मानना है कि डिमांड में अभी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है. दूसरी ओर एमएनएम पर एक रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की, और यहाँ पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है क्योंकि आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य यहाँ पर 1530 का दिया है. खासतौर पर जो फार्म लोन वेवर्स हुए हैं उससे ट्रक्स की जो डिमांड है उसमें एक रिवाइवल की उम्मीद है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एमएनएम होता हुआ नजर आएगा, क्रेडिट स्विस का मानना है. आखिरी रिपोर्ट की बात करते हैं ऑयल एंड गैस स्पेस से. पेट्रोनेट पर यहाँ पर सिटी ने रिपोर्ट जारी की है. बाय रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है, लक्ष्य 541 का दिया है. इस पूरे सेक्टर में उनकी टॉप पिक है और तेजी के बाद भी उनको लगता है कि वैल्यूएशन अभी ठीक है और यहाँ पर अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है. ठीक है, हालांकि इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती है. साक्षी शुक्रिया आपका. ये जो रिपोर्ट है ना टाटा मोटर्स वाली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. 405 पे इन्वेस्टर्स आएँ या फिर अभी इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ जाएँ. किरण थोड़ी हेल्प कीजिए, बताइए अभी टाटा मोटर्स में अभी आ सकते हैं या फिर अभी थोड़ा वेट किया जाए 405 पे हम आएँ. बेसिकली 400 टाटा मोटर्स थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में रहेगा क्योंकि एक छोटा सा लोअर टॉप लोअर बॉटम हो गया छोटे पैमाने के चार्ट पे और ऊपर में सेलिंग देखने को मिल रही है, तो इतना खास अच्छा पैटर्न नहीं है. पर अगर जिस जिन जिन स्टॉक्स को हमने अभी बात की उसमें से पेट्रोनेट पे ध्यान बिल्कुल देना चाहिए. पेट्रोनेट पे मेरा मानना है कि बहुत अच्छी खासी बेस बिल्डिंग हो चुकी है 525-526 लेवल्स पे. इसके नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, तो जितना नजदीक क्या है आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदी कर सकते हैं और एग्रेसिव बेट्स आपको 455 के ऊपर लगाने चाहिए. 455 के ऊपर वन वे रैली देखने को मिलेगी 520-550 के लेवल्स. ठीक है, तो व्यू पॉजिटिव है टाटा मोटर्स पर किरण का. और दो खबरें हैं आज, एक तो सीएलएसए की रिपोर्ट की साक्षी ने बात की जहां पर वो 400 तक के टारगेट्स की बात करें, सेल रेटिंग दे रहे हैं. लेकिन एक पॉजिटिव खबर भी है टाटा मोटर्स पर, वो ये है कि कंपनी ने अब तक की सबसे बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की है और इस रिस्ट्रक्चरिंग के तहत करीब 1200-1300 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके पद में फेरबदल किया है और इस फेरबदल से कंपनी को करीब 300-400 करोड़ की बचत होगी. तो ये एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है, दूसरी तरफ सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई है. तो ओपनिंग देखें और ओपनिंग के बाद स्टॉक में ट्रेड लें कि ये मूव किस तरफ कर रहा है. लेकिन फोर्टिस हेल्थ केयर ये स्टॉक है जो कि आज डेफिनेटली थोड़ा वीक हो सकता है क्योंकि खबर नेगेटिव है. और खबर ये है कि इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर होल्डिंग जिनके साथ इनकी बातचीत चल रही थी फोर्टिस हेल्थ केयर को बेचने को लेकर, वो अब मामला अटक गया है. IHH ने जो एक्विजिशन का प्रपोजल था फोर्टिस हेल्थ केयर का उसको वापस ले लिया है. डिस्प्यूट
डिस्प्यूट काफी समय से चल रहा है डाइची सेंक्यो के साथ, और इसी डिस्प्यूट की वजह से IHH ने अपने हाथ पीछे खींचे हैं। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज फॉर फोर्टिस हेल्थ केयर के लिए। और कल हालांकि ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा था, 2% की बढ़त के साथ क्लोज भी हुआ था। सिमी से एक व्यू ले लेते हैं, सिमी भौमिक भी हमारे साथ मौजूद है कोलकाता स्टूडियो से। सिमी गुड मॉर्निंग। फोर्टिस हेल्थ केयर चला है पिछले कुछ सेशन में, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि आज का जो न्यूज फ्लो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्या ट्रेड आप लेंगी? दिवाली वेरी गुड मॉर्निंग, पर ये न्यूज़ मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए मैंने कल जो आप लोगों के लिए जो कॉल मैंने दिया था उसमें मैंने फोर्टिस हेल्थ केयर ही बाय कॉल दिया था आज के दिन के लिए। मैंने देखा था कि ये स्टॉक एक अच्छा सपोर्ट लिया है 200 डेमा के ऊपर और अच्छा मूवर रहा था कल का सेशन में, तो मैंने सोचा था कि शायद 195 का सपोर्ट जो है वो शायद होल्ड करेगा, और अगर होल्ड करता है तो इसमें एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है 205 से 208 तक का। पर अब न्यूज़ के चलते मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वीकनेस इसमें आएगा, और 195 के नीचे जो मेरा स्टॉप लॉस था उससे नीचे अगर ये स्टॉक मेंटेन करता रहा तो वापस जो मेजर सपोर्ट एरिया जहां से ये स्टॉक ऊपर आया है उस लेवल को वापस ये टेस्ट कर सकता है 186-187। ये क्रूशियल सपोर्ट एरिया होगा दीपाली, और मैं ये मानती हूँ कि जितना भी ख़राब न्यूज़ क्यों ना हो ये स्टॉक जब तक वापस ये 186-187 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक इसमें कोई फ्रेश वीकनेस नहीं आएगा। तो मेरा ध्यान मतलब मैं उस लेवल तक देखूंगी 186-187 के नीचे ये स्टॉक जाके सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर उससे नीचे जाके ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है तो भी मैं वहाँ पे बाई कॉल ही जनरेट करूंगी, और मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, 186-187 मेरा जो सपोर्ट था 195 का आज का दिन का, और ओवरऑल 186-187 के नीचे मैं सेल दूंगी, पर उस लेवल को होल्ड करने से मैं बाय दूंगी। ठीक है, तीन चीज समझ में आ गई, खबर नेगेटिव है, स्टॉक का डाटा पॉजिटिव है, टूटेगा 186 तक आएगा तो प्लस ही करना है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और एक पॉजिटिव खबर और है, सॉरी डीपी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, HSBC ने 7 इंडियन कंपनीज आइडेंटिफाई की हैं एशियन मार्केट में, और उन 7 कंपनियों में एक फोर्टिस हेल्थ केयर भी है। वेरी गुड, तो शायद ये डाटा और न्यूज फ्लो आज आपको थोड़ा सा, फर्स्ट सेगमेंट छोड़ दीजिएगा, सेकंड हाफ में शेयर के बारे में सोचेंगे, डिस्कस करेंगे।